वेल सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर ये है हमारा सेकंड पार्ट, हाउ टू मेक बीएमएक्स। सो अगर आपने इससे पहले वाली पार्ट को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी बीएमएक्स को असेंबल करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि आप कोई बीएमएक्स को या कोई भी अपनी साइकिल को आप असेंबल कैसे कर सकते हो। वैसे हमारा चैनल अभी 500 सब्सक्राइबर्स पूरा होने वाला है, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो। और फिर अगर 500 स्पेशल मैं एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी, उसके आगे से मींस बहुत एंटरटेनिंग वीडियो होगी, तो अगर आपको वो देखना है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फोक जिसको मैंने पेंट करा था, एंड ये रहा इसकी बॉल बेयरिंग, ये रहा इसका जो मतलब नट बोल्ट लगता है, एंड ये रहा हेड ट्यूब का बड़ा वाला बोल्ट, ये रहा हैमर, एंड ये अगेन एक और नट जो हमारे यहाँ पर लगेगा हेड ट्यूब के ऊपर, एंड दिस इज अगेन अ बॉल बेयरिंग। और ये देख सकते हैं मेरा हेड ट्यूब ये है, उसके 4 स्क्रूज हैं, मेरा हैमर है, एंड ये ग्रीस है। अगर आपका ड्राई होंगे अंदर से पार्ट्स तो उसको पहले ग्रीसिंग कर लेना। मैंने देख सकते हो ऑलरेडी मेरी हर चीज ग्रीस है, तो मेरे को जरूरत नहीं है। एंड ये रही हमारी सीट, क्योंकि ये हमारी पुरानी वाली सीट है, आप देख सकते हो क्या चूहों ने कुतरा है, नहीं पता क्या करा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा नट से टाइट करेंगे, इसको लेंगे और फेंक देंगे, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। एंड ये रहा हमारा हैंडल बार, जो बीएमएक्स का हैंडल बार होता है। एक्चुअली इस पर मैंने पहले से ग्रिप्स लगा दी थी, आपको पिछली वीडियो पर मैंने ग्रिप्स दिखाई थी, पर मैंने इसको पहले ही लगा लिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। सो आई ट्राइड, अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो निकल नहीं रहा है। तो कुछ नहीं होता, ये लोग आपको क्या करना है, बस ग्रिप्स को यहाँ डालना है, अंदर थोड़ा सा ऑयल या आइसोप्रेट अल्कोहल या सैनिटाइजर यूज कर लेना। सो उस पर अंदर डाल के पीछे से आप हैमर मार सकते हो ना हाथ मार सकते हो। सो फ्रेंड्स, हैंडल बार के बाद हमारा काम पर आता है, ये है टूल किट मेरे पास, देख सकते हो ये किंग कॉन्ग का है, किंग टॉनी जो भी है, ये देख सकते हो 46 पीसेस का है, एंड इस पर ये सब चीज आपको मिल जाती है। इस चीज की मैं आपको लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। एंड ये रहे मेरे पास 4 पैक्स फॉर बीएमएक्स जो बीएमएक्स पर लगते हैं। और ये रहा हमारा पाना बड़ा वाला जिससे हम लोग की कैसेट खुलता है, एंड वो हैंडल बार का नट खुलता है जो मैंने दिखाया था। और ये रहे मेरे पास और पाने जो हमें व्हील खोलने पर यूज आएंगे। और यहाँ आगे आएंगे तो है हमारे पास दोनों आगे पीछे के व्हील, तो इसी व्हील को मैं अभी लगाऊंगा, बाद पर अपग्रेड करूंगा तो फिर आपको अपडेट करूंगा मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारा फोक लेना है जिसको हमने पेंट करा था अच्छे से। फिर क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को एक बॉल बेयरिंग लेनी है, एंड बॉल्स ऊपर रहेंगे और यहाँ सीधा अंदर यहाँ बॉटम पर डाल देनी है। साथ पर कपड़ा भी रख लेना, मैं तो अभी जमीन से पोंछ ले रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये वी ब्रेक्स वाला फ्रंट पार्ट जो होता है वो आगे की तरफ रहेगा, एंड ये बस हमें हमारा फ्रेम को उठाना है एंड इसको सीधा इसके अंदर डाल देना है। एंड उसके बाद हमको एक और जो हमारी दूसरी बॉल बेयरिंग है, दूसरी बॉल बेयरिंग को लेना है एंड उसको भी सेम टू सेम डाल देना है। और उसके बाद हमको ये वाला जो पार्ट होता है, एक सेकेंड, ये देख सकते हो ये वाला जो सर्कल टाइप का पार्ट होता है उसको आपको लेके ऐसे ऐसे डालना है कि ऊपर पूरा फ्लैट रहे। सो इसको आप सीधा सीधा अंदर डाल दो, तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा इसको डालने पर चले जाएगा और टाइम भी लगेगा, बहुत गोल गोल घूमता है। पर आप लोगों के हाथ बहुत काले होंगे, मैं देख सकती हूँ इतने हो गए हैं। डन, फुल्ली टाइट, मेरे हाथ भी फुल्ली काले, अभी इसको काले ही रहने देते हैं। टायर हम लोग लास्ट पर लगाएंगे, फिर ये डस्ट कैप लेके सीधा यहाँ पर लगा देना है डस्ट कैप को। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है ये वाला जो होता है हमारा, जो हमारे बड़े वाली की से मींस
बड़े वाले पाने से लगता है, सॉरी। सो क्या करना है, ये जो पाने वाला साइड है ना, ये आप लोग देख सकते हो, ये साइड को हमें ऐसे डालना है, मीन्स वापिस इसको गोल गोल घुमा के डालना है एकदम, जो अगेन प्रॉब्लम जाएगा, पर जीत के मतलब हार ना मानना, चले जाएगा वो। मेरे को भी टाइम लगा, ये देखो डन। ये हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा हाथ धो के आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट है वो थोड़े लाइट कलर के हैं, सो वो एकदम ठीक हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ साफ कर लिए हैं, अब आती है बारी स्टेम की। तो स्टेम को आपको क्या करना है, सीधा सीधा जब आप इसके नीचे वाले साइड को पेंट करोगे तो आपको थोड़ी मुश्किलें जाएगी अंदर डालने पर। इसको सिंपली ऐसे डालना है, हाथ से मारो या हथौड़े से मारो, ऐसे बस आराम आराम से मारो 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 और अंदर डाल दो। फिर आप अलाइनमेंट भी सेट कर लेना, वो तो साइकिल पर चढ़ते साथ हो जाएगी, एंड डन। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ये लगाने का, ये लंबा वाला बोल्ट। तो उसके लिए हमें लगेगा एक एलन की, सो मैं आपको बता देता हूँ, 6 नंबर की एलन की लगेगी। मैं ये वाले ब्रेंच के साथ इसको यूज कर रहा हूँ कि मेरे को इजी पड़ता है ये वाले इसके साथ। एंड देन सिंपली इसके ऊपर ये जो वॉशर लगा रहता है, वॉशर को लगे रहने देंगे एंड इसको यहाँ अंदर डालेंगे और देन टाइट कर देंगे फुल। देख सकते हो फुल टाइट हो चुका है, अब मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब आती है बारी फ्रंट व्हील की। तो फ्रंट व्हील के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ देख लेना आपका रोटेशन कहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरा रोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चक्का तो ऐसे रोटेट होगा, तो मींस ये रोटेशन साइड जहाँ ऐसे दिया हुआ है वो लेफ्ट साइड पर रहेगा। आप ये जरूर पढ़ लेना, ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ हुक्स रहते हैं, वैसे ऑलमोस्ट लोगों को आता है ये करना, क्योंकि ये बड़ा इजी होता है, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इस पर ऐसे डाल देना है एंड स्क्रूज टाइट कर देना है। तो फटाफट मैं डालता हूँ, फिर स्क्रूज टाइट करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने दोनों के दोनों चक्के लगा दिए हैं एंड डैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, एक चीज तो अभी बाकी है, मेन अट्रैक्शन एक BMX की, उसके पेग्स। तो मैं आपको पेग्स लगाना सिखाता हूँ कि वो आप पेग्स BMX कैसे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन पेग्स को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि बस एक 15 mm का की लेना है एंड इसको जस्ट यहाँ पर रोल करते जाना है एंड बस रोल कर दो, देन इसको टाइट कर दो। सिंपली आपको ये हर जगह करना है, मतलब चारों स्क्रूज पर आपको करना है। तो मैं पहले वो करता हूँ, फिर आपको मैं पूरी साइकिल की लुक्स दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लुक आ रहा है हमारी पूरी BMX का। तो देख सकते हो मैंने चारों के चारों लगा दिए हैं, हैंडल बार अच्छे से लगा हुआ है, सीट अच्छे से लग गई है एंड पूरी ये BMX की लुक आ रही है। आप देख सकते हो अभी बस चेन निकली हुई है, मैं चेन को चढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको इस पर कुछ